मारा तो हल्के नमस्कार ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हुआ हादसा, इकट्ठी हुई भीड़, बचाना तो क्या था, उल्टा टूट पड़े खलासी और ड्राइवर पर। जी हां दोस्तों, जरा ये दृश्य देखिए जो चल रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। कितनी भीड़ लगी हुई है, ड्राइवर और खलासी के हाथ रस्सियों से बांध दिए गए हैं। चेहरे पर खून, मायूसी, डर का भाव, अपने जीवन के लिए हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते ये लोग नजर आ रहे हैं। ये ड्राइवर और खलासी हैं। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर हादसा हुआ और एक ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद भीड़ आई, लेकिन भीड़ ने इनको बचाया नहीं, बचाने की बजाय इन पर ही टूट पड़े, मार पीट करने लगे और इनको लहू लुहान कर। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बचाने की बजाय पीटने लग पड़े? यहाँ पर हुआ क्या हम आपको पूरी तरह से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद अगर चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर, शर्तें लागू। दोस्तों, ये घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है, जहां पर ट्रक पलटा। जी हां, कैटल मीट से भरा ये ट्रक था। भीड़ ने ड्राइवर को और हेल्पर को यहां पर ट्रक पलट जाने के बाद जमकर पीटा। गाजियाबाद पुलिस का कहना है, जब मामले में जांच पड़ताल हुई, ये वीडियो सामने आई और इसके बाद हंगामा हुआ, मॉब लिंचिंग के यहाँ आसार बन गए, क्योंकि भीड़ बनकर मारना मॉब लिंचिंग है और मॉब लिंचिंग के लिए अब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कड़ा और सख्त कानून भी बना दिया जा चुका है कि 5 से अधिक लोग अगर किसी को किसी धर्म, जाति या भेद के आधार पर मारते पीटते हैं तो उनको सजा दी जाए। लेकिन इस तरह लग रहा है जैसे लोग कानून को अपने हाथ में लेने के लिए बस उतारू है। दरअसल यहाँ जब ट्रक पलटा तो ट्रक पलटने के बाद वहाँ पर उसमें से मीट नजर आया लोगों को, जो यहाँ वहाँ फैल गया। जी हाँ, कैटल मीट से भरा ये ट्रक था जो पलट गया। अब उसको देखते ही लोग इन ड्राइवर को और खलासी को बचाती क्या, वो तो पीटने लग गई। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह दो राय के लोग हैं, कई अलग मत भी रखते हैं, कईयों को कानून पर भी भरोसा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग इस हक में थे कि इन्हें मारा जाए, पीटा जाए, गाली गलौज की जा रही है, लेकिन कुछ लोग वीडियो में कहते और सुनते नजर आ रहे हैं कि नहीं, इन्हें छोड़ो, मारो मत। कानून पर शायद उनको भरोसा था, या ये जताना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि कानून भी है इस देश में, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। ये पूरी वीडियो यहाँ बनी है, बहुत सी ऐसी दृश्य है इसमें जो हम आपको हो सकता है ना दिखाएं, हो सकता है आपको विचलित कर दें। जी हाँ, बहुत से ऐसे दृश्य भरे पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा दृश्य तो यही है कि ड्राइवर और खलासी को पीटा जा रहा है और वो हाथ जोड़े खड़े, हाथ यहाँ पर बांधे गए हैं इन लोगों के, और उसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में मीट प्रतिबंधित पशुओं का ना होने की बात भी सामने आई है। चालक और हेल्पर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है। अब वीडियो में मारपीट करते दिख रहे लोगों की पहचान की जाने की बात की है और ये भी कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन क्या बयान भर से ही ये काम हो जाएगा? खैर, इतनी बड़ी बात कह दी है कि पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत अहम बयान है। लेकिन इस तरह की घटना कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है और कानून को हाथ में लेना किसी के भी अधिकार में नहीं है। अब ये जांच का विषय है कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन फिलहाल यही बात सामने आ रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बात और कही जा रही है पुलिस के द्वारा कि हालांकि अभी तक इसमें ड्राइवर की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, अगर ड्राइवर कंप्लेंट करेगा तो वो एक्शन लेंगे, ऐसा पुलिस अफसर ने कहा है। लेकिन ड्राइवर और खलासी जो अभी अभी मौत के मुंह से निकले हों, भीड़ से बचकर निकले हों, अपनी जान बचा कर निकले हों, वो कहीं ना कहीं इतने डर और सहम गए होंगे कि शायद आगे ही ना आए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है।
क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है नहीं लेना है, IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में, तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।